This bulletin is sponsored by International Yoga Festival, Rishikesh, Uttarakhand. Organized by Uttarakhand Tourism and Garhwal Mandal Vikas Nigam Limited. Electronic media partners are Disha TV India and Disha TV USA. नमस्कार, दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर वो छोटी बड़ी खबर जो जनता से जुड़ी हुई है। आइए डालते हैं एक नजर। हर तरफ है श्रद्धालुओं का उमड़ता जनसैलाब, पूरा वातावरण भक्ति रंग में रंग चुका है। मौका है छत्तीसगढ़ के राज्य में कुंभ मेले के आयोजन का। 15 दिवसीय इस मेले की शुरुआत भागवत कथा के साथ साध्वी प्रज्ञा भारती जी के नेतृत्व में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में पिछले 9 वर्षों से राजिम कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। मेले में दूर दराज के क्षेत्रों से लोग पहुंचे हुए हैं। मेले के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा है और यही वजह है कि संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से राज्य में सुख समृद्धि में इजाफा हुआ है। ये बात मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी मन से कही। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं के रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। मैं इस बात को अंदाज लगाता हूं कि कुंभ के इस आयोजन का उपस्थिति के दृष्टि से, भव्यता के दृष्टि से, साधु संतों की दृष्टि से शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलता है। मगर आज इस भौतिक युग में लोग प्रमाण मांगते हैं, बोलते हैं कि इसका क्या असर होगा छत्तीसगढ़ के ऊपर। मैंने कहा इससे बड़ा असर छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता कि छत्तीसगढ़ में 9-10 सालों में एक भी बार अकाल नहीं पड़ा, भुखमरी नहीं हुई। इससे बड़ा प्रमाण दुनिया के सामने नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि इस 10 सालों में छत्तीसगढ़ ने कभी अकाल नहीं देखा। जो 7 लाख मेट्रिक टन धान पैदा होता था, खरीदी होती थी, इस बार 80 लाख मेट्रिक टन तक का धान का उत्पादन हुआ है। ये संतों का ही आशीर्वाद। राजिम कुंभ लगभग 10,000 लोगों को 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध करवाता है, काम धंधे उपलब्ध करवाता है छोटे छोटे लोगों को। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की संस्कृति ही जो है वो आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत बनाने की संस्कृति है। मेले, महोत्सव, त्यौहार, संस्कृति, और निश्चित रूप से 9 सालों में राजिम कुंभ मेला लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में और कामयाब साबित हुआ है। हमारी भारतीय संस्कृति का परिचायक है शोभा यात्रा, और नदी के तट पर जो कुंभ का आयोजन हो रहा है संस्कृति की रक्षा के लिए हो रहा है। और सब मिलजुल कर आपस में मैत्री भाव से हम अपने धर्म को समझें और धर्म की रक्षा के लिए ऐसे आयोजन हो रहे हैं, तो सब ने मिलजुल कर आज कलश यात्रा का आयोजन। भगवान शिव को भोले शंकर भी कहा जाता है। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो श्रद्धालुओं की भक्ति से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए लोग भगवान भोले शंकर की उपासना कर उनकी खुशियां हासिल करते हैं। भगवान शिव की महिमा का गुणगान कर हर कोई उनका आशीर्वाद पाने में जुटा हुआ है। शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए एक जत्था बिहार के बक्सर में हर साल की तरह इस बार भी मोतिहारी से चलकर बक्सर पहुंचा। साइकिल से 6 दिनों का सफर तय कर ये जत्था बक्सर के रामखेरा घाट से जल लेकर अरिराज के लिए रवाना होगा और महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शंकर को जलाभिषेक करेगा और भोले शंकर का आशीर्वाद हासिल करेगा। सूर्य हमें केवल रोशनी ही नहीं देता, बल्कि हर दिन हमें नई प्रेरणा देता है। सूर्य की रोशनी गतिपथ और उसके निश्चय दिशा में उदय ही नहीं, अस्त होने पर गौर करें तो व्यवहारिक तौर से सूर्य की चमक से ज्ञान प्राप्ति, गति से कर्म और पथ और दिशा से अनुशासन व मनोयोग की सीख मिलती है। सूर्य की पहली किरण ही दिन की शुरुआत में ही सफलता की ऐसी ही प्रेरणा देती है, जिससे कोई भी लक्ष्य भेदना बेहद आसान होता है। धर्मशास्त्रों में सूर्य उपासना निरोगी जीवन के साथ साथ यश, सम्मान व प्रतिष्ठा दिलाने वाली बताई गई है। यही वजह है कि हर सुबह, खास तौर पर रविवार के दिन सूर्य उपासना के लिए शास्त्रों में सुबह के वक्त विशेष मंत्र का सूर्यदेव के सामने स्मरण सफलता दिलाने वाला होता है। इस मंत्र से सूर्यदेव का ध्यान करने के बाद देवालय में सूर्य की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा कर गुड़ का भोग लगाकर आरती करनी चाहिए।
अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई समाचार, प्रतिक्रिया या सुझाव है तो हमें SMS या मेल कर सकते हैं। कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।